की न मन रहो जाट हो सहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:35। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी बोल दो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दित्या तो दिख ही ना रही। दित्या तो छुप गई। दिख गई। तो अभी 8:35 हो रहे हैं और अभी सब उठे थे, मतलब मैं तो जल्दी उठ गई थी, ये तीन जो है ये थोड़ा लेट उठे थे। तो अभी हम वॉक के लिए जा रहे हैं। अभी देखो गाइस 8:30 बजे कौन सी वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक। हाँ, हमारे यही टाइम है। और मैं और ये पारुल उठे थे जल्दी और ये बाकी सब लेट लगती थी। इधर मैं बार के साथ देखो ऐसे ऐसे मतलब है ना, सो गई थी ना, इसकी शक्ल दिखाइए एक बार, देख क्या ये जैसे उठ रही थी आँख खोल के फिर वापिस हो रही थी, फिर मैं इसको उठा रही थी कि भाई उठ जा। बीच में से आँख बंद हो जाती है, रहने दे रहने दे। फिर आप बोल रहे थे ना कि पवित्र पवित्र, अंदर से फिर ऐसे कर रही। हाँ तो अभी आपको पार्क में चल के मिलते हैं। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां, देखो कौन कौन झूलता है, देखो देखो हम झूलते हैं, ये हम झूलते हैं। देखो तुम्हें शर्म आती है बच्चों को के झूलों पे झूलते हुए? नींद आ रही है, मेरे को भी झूला दो। अब मेरा भी मराज ले। तो गाइस देखिए अभी कोई कुछ बोल रहा था शायद, कोई कुछ बोल रहा था अभी। मैं तो पढ़ जाऊंगी, मैं निशा लगा। तो अभी देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है। पैर धुल लो। और इसको देखिए, ये देखिए मेरे मम्मी ने झुला दिया। हां ये पलट जाएगा मेरे वजन में। नहीं आता कुछ, दो बैठ। नहीं नहीं रोक ले, नहीं दीदी मत रोक, मैं मत रोक। कितना अच्छा है यहां पे। नहीं भाई हिम्मत करना प्लीज, मेरे को चक्कर आने लगे। इतने से में ही भाई मेरे को ऐसे ऊपर से नीचे जो आते हैं ना, बहुत डर लगता है। मेरे को नहीं लगेगा था कल मम्मी जब नाव में बैठे थे। गाइस ये देखो बचपन ही से कहते ये जिंदगी कभी वापस नहीं आती है ना पवित्र पारुल। हम्म, है ना, बच ना पारुल की चप्पड़। मेरे को ऐसा हो रहा है ऐसे तो तू चीट चीटिंग कर रही है, तू ऐसे तो रहा ही नहीं। आधा लड्डू दो मिनट बैठ कर फिर चलेंगे। ऊपर से कहाँ से जाएगी, अंदर से चढ़ने का है ये बुद्धू। ऐसे लटक के जा सकते दोनों हाथों में, ऐसे ऊपर खड़े हो गए इनके साइडों से। यहाँ से चढ़ के और पकड़ने का है, देखो जैसे लास्ट वाले पे नहीं है ऐसे पकड़ के बिना पैरों को उठा के, वैसे इसको इसके पैर लग जाते हैं नीचे। उड़े मारी कुत्ती। ओए मम्मी इतने तो ये कूद जाएंगे। करके दिखा दी तू, चलो जाना जा आगे लटक के। हाँ ये वेरी गुड, देखा आदित्य ने करके दिखा दिया भाई। सुन जब ऐसे एक पलट के होते ना इसलिए, अगर फिर दूसरे को पकड़ा कर पूरी। अब सांस ले यहाँ पे लंबा और फिर आगे जा। हाँ बेटा वेट आ जाता है ना सारा, तो मेरे अरे ये कल पार्क में जुत्ती पहने, मेरी जुत्ती लग जाती है, मतलब ज्यादा नहीं घूमे कल वहाँ पे उसकी वजह से। ये आप छोटे बच्चे हो, 12th मम्मी लो स्केल से मारो तो किसे की मार रहे हो मम्मी स्केल।
मैं तो पहले कह दिया मेरे को मान है मैं कह दिया टाइम नहीं था मैं जाऊंगा दीदी देखो मैं भी आपसे अच्छे व्लॉग दिखा रही हूँ दोनों का मुंह दिख रहा है यहाँ पर चॉपिंग चल रही है देखो जाना चल गाइस यहाँ पे मम्मी और खाना बना रही हैं आंटी और मम्मी क्या बनाया है मम्मी क्या बनाया सिंपल खाना बनाया बिल्कुल सिंपल आलू गाजर गोभी तरी की सब्जी आलू गाजर गोभी जा रही है उसका बना रही है क्या भी नहाने जा रही है गाइस और पारुल इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी हो चुकी है अभी मैं इंस्टीट्यूट से आई थी मेरे को एक घंटा हो गया और उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे हम शूट करना भूल गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे वो ये देखो गेस्ट के बाद जाते हुए पवित्र कर रही है पार्टी और आ गया छोड़ के पापा और मम्मी तो बस अब हम भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम को हमें बाहर जाना है ऐसे घूमने के लिए तो हम आ जाएंगे ट्यूशन बिना दुखी हैं फैबी को ना कोई गांव में पढ़ाना यार परमजीत मान ना कौन है देखिए तो सड़क मार गा हाँ कुछ ना है ये है वो अपने छाना किससे ना समझता लगवाऊंगी पर टैब वैब वे दे देंगे ठीक है मन नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कर ला गाइस हम ऊपर आए हुए हैं छत पे कविता कपड़े धो रही है और मैं घूम रही हूँ यहाँ पे है ना एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इनका जो घर है ना ऐसे लोकेशन पे है खुला खुला बिल्कुल बाहर और ये इधर मार्केट है और इधर भी मार्केट है और ये भी मार्केट है और ये जो रास्ता है जो आप कई दिन से देख चुके होंगे तीन के दूसरे फ्रेंड के घर जाता है सात आठ घर छोड़ गई होगा आठ दस घर छोड़ के रिनार के और छत भी खुली खुली है और ये यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं गाइस तो हम अभी आए हैं मार्केट और अभी हैं पार्किंग में क्योंकि शाम को जाना है इन्हें पार्टी में तो जिनकी पार्टी में जाना है उनकी आज एनिवर्सरी उनके लिए गिफ्ट लेने तो इसलिए हम मार्केट में आए हैं है ना और शाम की कोई भी क्लिप व्लॉग में नहीं डालेंगी क्योंकि जिनका फंक्शन है उनको शायद ये चीज़ें अच्छी ना लगें तो मैं अवॉइड करूँगी वहाँ पे व्लॉगिंग और गाइस अभी हम है ना बठिंडा के बाज़ार में ये देखो काफ़ी बड़ी मार्केट है खुली खुली है पूरी भीड़ भड़ाका है हैं फ़ोन तो मेरे हाथ में है काफ़ी बड़ा बड़ी मार्केट है हेलो गाइस तो हमारी शॉपिंग हो गई है एक ये शॉपिंग की हमने और एक ये इधर और अभी हम आ गए हैं यहाँ के स्पेशल गोल गप्पे खाने कविता ने बताया यहाँ पे कुछ अलग ही टेस्ट के मिलते हैं चार पांच तरह का पानी होता है मगर चल ट्राई करते हैं मोस्टली तो मैंने आटे के पसंद है बस सूजी के भी खा लूँगी रख दूँ मैं टेबल पे तो अभी यहाँ पे गोल गप्पे ट्राई कर रहे हैं गाइस इसके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे दस चप्पल ट्राई कर ली इसने अच्छी है ये वाली वाइट कलर पहनना वाइट में जाएगा वाइट पहनना नहीं ये जो बेस कलर बहुत सुंदर है वाइट में पैरों में वाइट में लो यो कलर भी प्यारा है वो बहुत सुंदर डिसेंट सी शेड है कंफर्टेबल है हैं बहुत सुंदर चप्पल है लेदर के अंदर स्पिरियल चीज है ऐसे मैंने तो ये इलास्टिक जो इस टाइप की इलास्टिक हो ना वे इतने कंफर्टेबल बना दे चप्पल ने मेरे पैर में अच्छी भी लग गई सुंदर लग रही है
मेरे प्यार का वाली ट्राई कर, यह वाला कलर भी प्यारा। एक पैर में ये पहन लो, अलग में पहन लो, ये आपका सही साइज है। चप्पल है अंदर है, मेरी देख तू यार, मैं ले लो दिखा दो। कलर भी बहुत प्यारा है, ये कलर नहीं मिलता इसका दूसरा वो दिखाना। नहीं कलर तो मैंने ये पहना हुआ है, ऐसा नहीं है, नहीं बोलता। और मेरे साइज में ये बहुत वॉल्यूम में भी दिख रहा है। आ जाओ इधर भाई, भाई से दे जी तू, भाई की दूसरी भाई को भी जड़ी हटा बेलवर दे, इतने कलर सी हो जाए। कौन सी अच्छी लगी, ये वाली ही वाली यार, ये वाली ज्यादा अच्छी लगी मुझे, ये ज्यादा सुंदर लग रही है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। इसका जो पट्टी का यो वाला जो है ना, यो ओल्ड हो रखा है, ये हमने वहां पे भी खरीद भी रखा है और देख भी रखा है, खुद बहुत पुराना हो रखा है, वो ज्यादा अच्छा है। और कलर बहुत प्यारा है, किसी भी ड्रेस पे कैसे भी डालिए इतना सुंदर है, बहुत सुंदर कलर है। हाँ किसी पे भी चल डालिए तो बहुत प्यारा है, बाकी तेरी च्वाइस है, मन तो बहुत प्यारा लगा। वो उसी का है पर वो पुराना हो रहा है, मैं ये कहूँगा। तो गाइज हम सब आए हैं पवित्र के अंकल के ड्यूटी, मतलब जहाँ पे होती है ना यहाँ पे, वहाँ आए हुए हैं। और ये कहाँ पे है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड उनकी जॉब है, वो मैं मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि वो अलाउड नहीं है, उनकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो नहीं बताएंगे। बट जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है या जॉब है ना, मतलब प्रॉपर ड्यूटी होती है, हम वहाँ आए हुए हैं। और ये सारे बच्चे शैतान चलें। और यहाँ पे जो कविता की फ्रेंड है ना दूसरी, मतलब के जिनके आज फंक्शन में जाएंगे शाम को, वो रहती है, तो उनके पास आए हैं अभी हम सब। तेन शर्म आनी चाहिए, तेन अपने फ्रेंड के फ्लैट का ना, मेरा बदतमीज लेडीज, बदतमीज है तुम। गाइस हम घूम के आ गए हैं घर अभी, और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जाएंगे, रेडी होएंगे अभी फिर से जाने के लिए पार्टी में। ये जाएंगे, मैं जैसे गई थी गाइस, मेरा गेटअप देखो मैं वहाँ, तो वहाँ पे कोई ऐसी जगह थोड़ा ही थी, सब ऐसे ही जा रखे थे, हमने भी तो सुबह से वही ड्रेसेस डाली हुई, हमने कोई स्पेशल थोड़ा ही डाली हुई है। पवित्र जी तो यूँ कह रही थी कि है ना, अगर है ना हमने कपड़े नहीं चेंज करे तो रहेंगे सबसे। अब कर लेना तू चेंज, क्योंकि दित्या के तो ठीक है, दित्या ने तो पहनेंगे, और मैंने पेंट उतरी हुई है, कितनी गंदी लग रही है, आपके फेस पे कितने धब्बे हैं। धब्बे नहीं है बेटा, ये वो हो गई, एलर्जी हो रखी है ना, बूढ़ी हो गई मैं तेरे लिए, देख लो गाइस बूढ़ी हो गई इनकी, जाके ना दवाई लेनी है, सारी एलर्जी हो रखी है, दर्द होता है, ईचिंग होती है, ईचिंग मतलब दाने से ये इसमें तो दिख रहा है, वो दिखने लग रही है हल्की हल्की। तो गाइस अब हम तैयार हो चुके हैं पार्टी में जाने के लिए, और यहाँ पर भारुल दीदी यहाँ पे तैयार हो चुकी हो गई मैं। हाँ इधर पवित्र दीदी भी ना, बहुत पवित्र दीदी देखो दीदी तैयार हो चुकी है, और मेरा तो गाइस आपको पता ही है मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पे आंटी, यहाँ पे आंटी और मम्मा तैयार हो रहे हैं, अंकल का दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं। ओके गाइस तो अब हम आपको जाके गाइज हम हो चुके हैं रेडी, और अभी हम जा रहे हैं सब पार्टी में, इधर पारुल है और पवित्र उधर, ये देखो उसका लुक
और ये रायनी और मम्मी सब बाहर है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। ये है मेरा, मैंने आज डाला है ब्लैक सूट, तो मैं ऐसी सी कुछ लग रही हूँ। और अभी जाके बाहर चप्पल पहनूंगी और वहाँ पे पहुँचते वक्त तक दिखाएंगे, वहाँ पे जाके कुछ दिखाने में ठीक है। फिर इसने थैली में तो डाल ले यार, न्यू लेके चल लूंगी। ग्यारह सौ कुछ की थी। अरे डिब्बे है, डिब्बे पे है, आके बताऊंगे। कैसी लगी रीना चप्पल, कैसी लगी? अरे ना नीचे रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और वेट कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे दरवाजा वगैरह लॉक करके। तो गाइज हम आ गए हैं वेन्यू पे और अभी तो हम बाहर हैं, तो मैं इसलिए व्लॉग ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि अंदर कर लूँगी या नहीं, तो बैक से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें जाना है डिनर के लिए। भाई सो गाइस एंट्री हो गई है और काफी बड़ा सा है ये, बहुत ही सुंदर सी वेन्यू। जो कपल है ना उन्होंने केक कटिंग कर ली है, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं की और ना ही मैं दिखाऊंगी। मैं बस अपनी फैमिली और अपने लोगों का बना रही हूँ, क्योंकि फॉर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी के लिए। गाइस तो अभी बजे हुए हैं रात के 11 और हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमें जाना है अब अपने घर वापस। और यहाँ पे चल रही है पैकिंग, मैंने तो कर ली, मेरे बैग रखे वो। और यहाँ पे चल रही है कविता की, क्योंकि इनको जाना है शादी में, तो ये अपनी पैकिंग कर रहे हैं और मेरी हो चुकी है। और गाइस आज के व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।